अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ के एक और लेक्चर में खुश आमदीद। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल पैनल। विंडोज़ आर, इसमें टाइप कीजिए कंट्रोल, एंटर, और आपके पास ओपन हो गया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आपके ओवरऑल कंप्यूटर में डिफरेंट चीज़ों को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड के ज़रिए आप अपने कीबोर्ड की जनरल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेंशन है कर्सर ब्लिंक रेट, अगर आप एरो को फास्ट कर देते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ ब्लिंक होता है जैसे आप टाइपिंग करते हैं तो उस वक्त, और अगर आप इसे बिल्कुल नन या स्लो कर देते हैं तो ये बहुत ही स्लोली ब्लिंक करने लगते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात होती है रिपीट डिले और रिपीट रेट की, इसका मतलब होता है कि आपकी कीज़, जब आप कोई भी की दबा के रखते हैं तो उसकी रिपीटेशन टाइम क्या होनी चाहिए। अगर नॉर्मल केस है, लेट सपोज आपने लेटर के प्रेस किया, नॉर्मल केस है, और अगर इसको हम लॉन्ग और इसको स्लो करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप कोई भी लेटर लाइक के अगेन, और आप देख सकते हैं कि ये कितना स्लोली खुद को रिपीट कर रहा है। तो कभी इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आती है कीबोर्ड में या एरो कीज में, तो उसका सलूशन होता है कंट्रोल पैनल में ये कीबोर्ड का ऑप्शन। वापस इसे हम नॉर्मल कर देते हैं या एरो कीज से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माउस की। माउस की अगर यहाँ बात की जाए बटन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो आप सर्च कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बटन को, यानी इस पर अगर आप चेक लगाएंगे और अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो आपका राइट क्लिक आपका लेफ़्ट क्लिक बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो जैसे ही चेक लगाया आपका राइट क्लिक आपका लेफ़्ट क्लिक बन जाएगा। आमतौर पर ये यूज़ होता नहीं। पॉइंटर के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल आप इसकी थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने चूज़ किया, उसके बाद डाउन एरो प्रेस किया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्लोली चेंज हो रहा है। लेट्स कंसिडर मुझे ये चूज़ करना है, मैंने कर दिया अप्लाई और मेरा माउस पॉइंटर हो जाता है चेंज। अगर आपको नॉर्मल माउस पॉइंटर यानी सिंगल माउस पॉइंटर चेंज करना है तो उसके लिए आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। एरियो बिजी मैंने चूज़ कर दिया, अप्लाई किया, यानी कि अब मेरा जो नॉर्मल माउस पॉइंटर है वो लाइक अ बिजी शो होता रहेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं। वापस चेंज करना है तो यूज डिफॉल्ट कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल आप थीम भी चेंज कर सकते हैं जो थीम आपके लिए सूटेबल है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंटर ऑप्शन में दर्जी बात है, जो आपका माउस पॉइंटर है इसकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अगर आप ब्लो बहुत स्लो या बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ये मैं माउस मूव कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्लो मूव होगा। इसे फास्ट करने के लिए मैंने कीबोर्ड से एरो कीज़ का इस्तेमाल किया और ये दोबारा हो जाता है फास्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है स्नैप टू, इसमें ऑप्शन चेक लगा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर रखता हूँ गैजेट्स के पास, सीपीयू मीटर और विंडोज़ आर प्रेस करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं अपना सीपीयू मीटर रखता हूँ और विंडोज़ आर प्रेस करता हूँ रन कमांड, तो ऑटोमेटिकली मेरा माउस जो है वो डायलॉग बॉक्स ओके पर आ जाता है। ये कोई भी डायलॉग बॉक्स होता है उसमें मूव हो जाएगा। ये स्नैप टू पे अगर चेक लगा हुआ है तो इससे ये होता है। जहाँ तक बात है माउस पॉइंटर ट्रेल के, इससे आपके माउस के पॉइंटर के ट्रेल्स बनने लग जाते हैं। अभी शायद आपको इतना विजिबल नहीं होगा रिकॉर्डिंग की वजह से, पर ये आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। जहाँ तक ये ऑप्शन है हाइड माउस पॉइंटर वाल टाइपिंग, ये बहुत ही सिंपल है कि जो टाइपिंग के वक्त मेरा जो माउस पॉइंटर है वो हाइड होना चाहिए, और इस पर चेक लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जब मैं कंट्रोल दबाऊं तो मेरा माउस पॉइंटर लोकेट हो जाए। कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और ये लोकेट हो रहा है। अब बात करते हैं स्क्रॉल व्हील की। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था सेंटर में होता है स्क्रॉल व्हील, जिससे आप पेज अप पेज डाउन करते हैं। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलिंग के लिए जो आपका होता है थ्री होता है, यानी कि थ्री नंबर ऑफ लाइन एट अ टाइम होते हैं, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। इसको कम ज़्यादा करने के लिए हम लेट सपोज यहाँ पे मैंने टाइप किया विन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए मैंने टाइप किया, और वर्ड में हम एक रैंडम फंक्शन ले आते हैं जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि मैं एक फंक्शन टाइप करता हूँ जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेजेस मिल जाएंगे, और आप इजीली से इसको करके देख सकोगे। ये नॉर्मल है, थ्री लाइन है पर उसको, यानी एक बार उसे घुमाने से आपकी तीन लाइन मूव होगी। ठीक है, अगर मैं इसे 25 कर दूँ, लेट्स सपोज वर्टिकली स्क्रॉलिंग मैंने कर दिया 25,
चाहें तो आप वन स्क्रीन एट अ टाइम भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है क्योंकि मैंने उनकी लाइन को चेंज कर दी। अगर अब बाई डिफ़ॉल्ट इसका 3 है तो इसे 3 रहने दे। ओके कर दिया। बैक टू अवर कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपके पास पावर ऑप्शन में ओवरऑल ये होता है कि इसमें आपके पास 3 मोड होते हैं। बैलेंस्ड होता है यानी कंप्यूटर का फोकस होता है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे और बिजली की बचत भी हो। हाई परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपकी बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। पावर सेवर मोड का मतलब होता है कि कंप्यूटर स्मार्ट वे में बिजली की बैटरी की बचत करने की कोशिश करेगा। ये अन्य यूज़र के लिए होता है यानी अगर आप लैपटॉप के यूज़र हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगी। ब्राइटनेस कम रखें, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड स्पीकर माइक वगैरह यूज़ नहीं हो रहा तो आप उन्हें ऑफ करके रखें एंड सो ऑन। इसके अलावा आपके पास बैलेंस मोड होता है जो रिकमेंडेड होता है पर जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए अगर आप उसे छोड़ के चले जाते हैं डेस्कटॉप को लैपटॉप को तो उसमें जो बिजली कंज्यूम हो रही होती है उसके लिए आप इसके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं यानी चेंज प्लान सेटिंग करें। और यहाँ से मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है 1 मिनट, जिसका मतलब है मेरा डिस्प्ले 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा, मेरा कंप्यूटर स्लीप मोड पे चले जाएगा 1 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद। इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि ना आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ना माउस यूज़ कर रहे हैं, ना कोई मूवी चल रही, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा कंप्यूटर पे, तो ये स्लीप मोड पे चला जाएगा 1 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद। जब बात करते हैं यूज़र अकाउंट की, यूज़र अकाउंट के हवाले से बात की जाए तो इसमें जनरल चीज़ें होती हैं, चेंज योर पिक्चर यानी ये जो पिक्चर होती है लॉगिन जो पिक्चर होती है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, आउटसाइड द चाहिए यानी कंप्यूटर से चाहिए, तो ब्राउज फॉर मोर पिक्चर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से चूज़ कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये हो गई अब मेरी पिक्चर चेंज हो गई। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं, अनदर अकाउंट अगर आप एडमिन हैं तो आप मज़ीद अकाउंट इसमें शामिल कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन सेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो कॉमन होती है वो होती है पासवर्ड। अब कंप्यूटर के हवाले से अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो बहुत कॉमन पासवर्ड लगाते हैं। अगर आपके पासवर्ड ये हैं यानी कि ABC 123 की सीरीज़, या पासवर्ड की जगह पासवर्ड टाइप कर देना, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना, टीचर नेम, पेट नेम, इस तरीके से कोई कॉमन नेम जो आपका फेवरेट पर्सन है नाम, तो दुनिया में ये बहुत कॉमन पासवर्ड है। अगर आपको कंप्यूटर पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों पे 1-2 कंप्यूटर होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी फैमिली मेम्बर को बहरहाल कंप्यूटर का पासवर्ड पता होना चाहिए। कंप्यूटर पासवर्ड लगाते कुछ चीज़ों का बस आपको ख्याल रखना है। अच्छा, इंटरनेट में पासवर्ड में स्पेस अलाउ नहीं है पर कंप्यूटर में अलाउ है, यानी कंप्यूटर में पासवर्ड लगाते वक्त आप पहले स्पेस बार दबाएं, यानी आपका पासवर्ड ही स्पेस बार से स्टार्ट होगा। फिर कोई भी दो कॉमन वर्ड को आप शफल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं आपस में और वो यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं टाइप करता हूँ PAK786 जो हम सबको पता है, इसको शफल करते हैं P7A8K6 इस तरीके से, यानी स्पेस बार का इस्तेमाल करना है, दो वर्ड को शफल कर देना है और इसके बाद एक कोई भी स्पेशल करेक्टर एट द रेट हैशटैग कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट चीज़ कि अगर ये सारे स्मॉल में हैं और स्पेशल करेक्टर के बाद आप जो टाइप करोगे यानी अपने नेम का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल कर दें, सही, और अगर ये तमाम कैपिटल होते तो मैं अपने नाम का जो लास्ट में था लेटर उसे स्मॉल कर देता। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यानी अगर आप कंप्यूटर में पासवर्ड रख रहे हो तो बहरहाल वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उम्मीद है आप ये सब सक्सेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।